हेलो गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ बटर चिकन। उसके लिए मैं मसाला बनाने लगी हूँ। अदरक, लहसुन, 8 टमाटर ले रखी हूँ। अभी इसको मैं थोड़े स्टीम दिला के बीट करती हूँ। मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर को स्टीम करने रखा था। अच्छी तरह इसको स्टीम हो गए हैं। अब इसको मैं ठंडा करके बीट करूँगी। इधर मैंने बटर चिकन स्टीम करने के लिए बटर रख लिया। अब इसमें मैं बटर चिकन डाल के इसमें अच्छी तरह स्टीम दिलाऊंगी। इधर चिकन, इधर मसाला भूनूंगी। मसाला के लिए मैंने गरम मसाला 1 चम्मच लिया हुआ है, कसूरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। मैंने सारे मसाला लिया हुआ है। अब बटर गरम हो गया है, मैं इसमें चिकन डालूंगी। फिर इसको मैं अच्छी तरह पकाऊंगी। फिर बाद में मसाला होने के बाद में और चिकन और मसाला मिलाऊंगी, फिर पकाऊंगी। यहाँ बटर में हमारे चिकन अच्छी तरह पक रहा है। तो इधर मसाला हो गया बिल्कुल ठंडा, अब इसको बीट करूंगी। तो यहाँ मैंने सारे मसाला ले रखा है। बाद में वो मसाला भुनने के बाद ये सूखे मसाला सारे डाल के बीट करूंगी। जो लहसुन, अदरक, टमाटर को मैंने बीट कर लिया स्टीम अच्छी तरह दिला के, अब ये मसाला बहुत अच्छा लगेगा। एकदम सिल्की स्मूथ लगता है खाने में। छिलका आने से मुंह में मज़ा ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको छान लिया है। ये हमारे चिकन जो बटर में पक गया है 80%, 20% रह गया है। इसको हम बाद में मसाला में डाल के पकाएंगे। यहाँ पे हमारे मसाला जो ग्रेवी है बटर चिकन के, वो अच्छी तरह हो रहा है। जब तेल छोड़े, तेल छोड़ने के बाद में ये मैं सारे सूखे मसाले डालूंगी। सूखे मसाले डालने के बाद फिर भूनूंगी और फिर तेल छोड़ने के बाद और पानी डाल के और भूनूंगी। फिर बाद में चिकन मिला के फिर भूनूंगी। ये हमने लहसुन, अदरक, टमाटर के ग्रेवी मसाला अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला, होममेड मसाला है। और साथ ही डालूंगी कसूरी मेथी, इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, घर के कुटा हुआ लाल मिर्च 1/2 चम्मच से थोड़ा कम, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डाल के इसको अब भून रही हूँ। अब इसमें मैं जो स्टीम दिलाया था वो चिकन डालूंगी। फिर इसको 5-10 मिनट इसको पकाऊंगी अच्छी तरह ढक के सिम पे। फिर उसके बाद में क्रीम मिलाऊंगी। इस तरह मिला के 5-10 मिनट इसको पकाएंगे। तो हमारे बटर चिकन बिल्कुल बनने वाले, इसमें थोड़ी क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। कितना अच्छा कलर आ रहा है, आप भी बनाइए खाइए। सिंपल और घर का बिल्कुल आसान रेसिपी, आप लोग भी बनाइए खाइए एंजॉय करिए। अब हमारे बटर चिकन बन गए हैं, तो बिल्कुल रेडी है। तो आइए सर्व करते हैं। आइए दोस्तों खाइए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। यह सिंपल सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच।